हाय गाइस, मैं हूँ आपके दोस्त एंड होस्ट कवि ऋषभ पंत की ऐतिहासिक पारी पर बोले वीरेंद्र सहवाग। आज से ब्रिस्बेन का नाम पंतनगर होना चाहिए जनाब। जी हाँ जनाब, ऐसा क्यों कहा है ये हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। युवा भारतीय टीम ने सितारों से सजी ऑस्ट्रेलिया टीम को उसी की सरजमी पर हरा कर इतिहास रच दिया। ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर हुए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल और आखिरी टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से मात देकर टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। ब्रिस्बेन में जीत के नायक रहे 23 वर्षीय ऋषभ पंत पर हर कोई फिदा हो गया है। पंत ने आखिरी दिन नाबाद 89 रनों की पारी खेली, जिससे भारत चौथी पारी में 328 का लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा। भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी पंत के मुरीद हो गए हैं। सहवाग ने ब्रिस्बेन का नाम बदलकर पंतनगर करने की मांग की है। वीरेंद्र सहवाग ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, इस सीरीज में मिली जीत इस तरीके की जीत है जो कोई व्यक्ति कोई पीढ़ियों में नहीं देख पाता, कुछ भी मायने नहीं रखता। इस जीत की खुशी सालों तक मनाई जानी चाहिए। 19 जनवरी फतेह जय भारत। सहवाग ने इसके अलावा पुजारा ड्राइव, गिल सर्कल, ठाकुर कॉलोनी, सिराज रोड, वॉशिंगटन टाउन का भी नाम सुझाया है जनाब। साथ ही ब्रिस्बेन में मिली जीत इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने अपने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सिर्फ तीसरी बार 300 से ज़्यादा का लक्ष्य हासिल किया। इससे पहले 1976 में पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत ने 403 और 2008 में चेन्नई टेस्ट में 387 रनों का लक्ष्य हासिल किया था। इसके अलावा भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन के मैदान पर हराया, जहाँ कंगारू टीम 1988 के बाद कभी भी नहीं हारी है जनाब। तो ऋषभ पंत की ऐतिहासिक पारी पर बोले वीरेंद्र सहवाग, आज से ब्रिस्बेन का नाम होना चाहिए पंतनगर। तो आपकी क्या है राय कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा जनाब। जय हिंद जय भारत।